हरे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैंने रात में दाल मैंने भिगो दी थी चने की, तो मुझे आज इसका नाश्ता बनाना है चावल के आटे से। तो बस 2 मिनट में रेडी हो जाता है। दाल को मैंने पीस लिया है, इसमें हरी धनिया, हरा मिर्चा, स्वादानुसार नमक और थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला ना हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, तो उसे आप मिक्स कर लीजिए आपस में, बहुत टेस्टी बनता है। और गाइस, अगर आपको मेरा चैनल पर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो ये मैंने 1.5 से 1.5 कप चावल का आटा ले लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डाल दिया है और नॉर्मल पानी के सहारे ही मैंने आटे की तरह इसको गूंथ लिया है। एक जैसे रोटी के लिए आटा आप गूंथते हैं, बस उतना ही, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं, बस इतना कि मेरे फरे आसानी से बन जाए। ठीक है, अब मैंने इसमें दाल जो नहीं मेरी रेडी हो चुकी है और अब मैं चावल के आटों की छोटी छोटी लोइयां बनाती हूँ और हल्का सा उंगलियों में पानी लगा लेती हूँ। उसकी सहायता से मैं धीरे धीरे उसको फैलाऊंगी, बेलना नहीं है, बस फैलाना है, छोटे छोटे फैला के फिर उसमें बीच में दाल को भर देना है और ऊपर से खुला रखना है, गुजिया का आकार देना, पूरी तरीके से बंद नहीं करना, ऊपर से खुला रखना है जिससे हमारी दाल अंदर तक पक जाए। ठीक है, फिर बाकी मैं ऐसे ही करके सारे फरे बना लेती हूँ। ये नाश्ता बहुत 2 मिनट में तैयार हो जाता है और सभी को पसंद आते हैं ये, तो किसी भी, अगर कोई अचानक मेहमान भी आ जाए तो फटाफट बन जाता है। बस दाल भीगी होनी चाहिए और इसको बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो बाकी भी मैं कम से कम 8-10 मैं ऐसे करके बना लेती हूँ फरे, कि मेरे 8-10 फरे बन गए हैं। मैंने एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में सिर्फ 1/2 टेबल स्पून केवल ऑयल लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1/2 टेबल स्पून, कि जिससे मेरे फरे कढ़ाई में चिपके नहीं। और मैं उसमें चारों तरफ से फैला देती हूँ फरों को और फिर उसके बाद पानी का छींटा देना है, पानी ज़्यादा डालना नहीं है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 चम्मच पानी आप डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे जो फरों को थोड़ा सा भाप में पकाने के कि इस तरह से भाप में बहुत आसानी से पक जाएंगे और जलेंगे भी नहीं और कढ़ाई में चिपकेंगे भी नहीं। अब ये देखिए ना, 2 मिनट भी नहीं लगा और मेरे फरे देखिए रेडी हो गए। देखिए कितने टेस्टी, कितने स्वीट फले बने हैं, कि इतने देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी कितने अच्छे लगेंगे, तो समझ लीजिए सभी को बहुत पसंद आते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। मेरे यहाँ तो जैसे ही बनते सब लोग टूट पड़ते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर कोई गेस्ट आने वाले हों तो आप दाल को 1-2 घंटे पहले ही भिगो दीजिए अगर आपको पता चल जाए, और फटाफट ये फले बना दीजिए, बहुत खुश हो जाएंगे, जो भी खाएगा आपकी तारीफ करेगा। तो आप भी बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए। हरे